जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है. That song just took off and क्या बात कर रहे आप? It was like a recycle bin. It was like a recycle bin. You won't believe this. The song that nobody believed in was Lift Karate. Are you kidding me? I swear, I kid you not. अगर आपने ये expression देना है कि किसी के कान में जाके जैसे आप बोलते हैं ना ऐसी बरसातों में, ठीक है ना, अब आप अगर किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हो तो आप बोलोगे आओ ना ऐसे, तो आप क्या है कि माइक्रोफोन में कैसे कहोगे ताकि वही इंटिमेसी आए, वही फीलिंग आए, तो आप माइक्रोफोन के पास जाके आप बोलोगे आओ ना. अदनान भाई, गुड इवनिंग, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी. थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग टू यू. लोखंडवाला एरिया में है, मुंबई में. जब बच्चा रात को रोता है उसको बोलो सो जाओ, मत ना अदनान सभी लगा दूंगा. नहीं नहीं ऐसी वाली बात ही नहीं है. देखो भाई, देखो अगर आपने छेड़ी दी है बात तो मैं आपको बता दूं. हाँ जी. जितना ब्रेकअप का कुछ गाना है आपका, कुछ गाना ऐसा भी लगता है कि वो आप लव में आते ही पहले बार भी सुन सकते हैं. हाँ, दैट्स ट्रू एक्चुअली, है ना. या या, फिर वैसे ही पार्टी सॉन्ग्स भी हैं. यस, एंड दिस इज अ पार्टी दैट यू हैव एट योर ओन हाउस. फॉर मी योर सॉन्ग्स आर इक्वली प्लेएबल एट अ क्लब, लाइक दे कुड बी प्लेड एट अ हाउस पार्टी. तो मुझे तो बहुत मजा आता है. यू नो, जो यू नो, एक म्यूजिशियन या एक आदमी जो अपने फन के जरिए लोगों तक पहुंचता है, तो अब जाहिर है मैं गाने बनाता हूँ, कंपोज करता हूँ और दिल से गाता हूँ जी. you know? और ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले अपने आप को बहलाने के लिए मैं गाता हूँ. आई मस्ट इन्जॉय माई सेल्फ. एंड उसके बाद फिर ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गाने के जरिए, अपने म्यूजिक के जरिए मैं दोनों के लोगों के दिल में पहुँचूँ. सही बात. लेकिन यू नो, जो चीज़ जो वाकई में कभी कभी मुझे आज भी इतने सालों के बाद भी हैरान करती है और जिसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो ये है कि जब कोई कुछ लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड यू नो आई प्रपोज टू माय गर्लफ्रेंड विद योर सॉन्ग और यू नो और दिस बिग मोमेंट ऑफ माय लाइफ हैपेंड व्हाइल योर सॉन्ग वाज प्लेइंग. या फिर मेरे पास इस तरह के भी लोग आए हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे लड़ाई करके चली जाती है तो मैं उसको आपके गाने के साथ मनाता हूँ. तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी खूबसूरत बात. देखो जी, आप जिस एरिया में चल रहे हो अगर आपकी कोई कहानी हो तो आप हमें बता सकते हो. मैं जैसे आएगी मैं बताऊंगा. चलो ठीक है, ठीक है ना. अभी तक तो नहीं आई, बट अंधेरी लोखंडवाला आपका होल्ड है एक तरीके. ऑफ कोर्स, या या या, आई मीन आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 20 इयर्स हियर. अरे वाह. मैं इससे पहले मैं जब मैं आया शुरू में मुंबई तो आई वाज इन सांता क्रूज. तो कब आया आप, ये कौन सा साल की बात है? आई केम इन 1999. ओह वाओ, ओके. एंड माय फर्स्ट हाउस जहां मैं एक्चुअली आया, मैं आशा भोसले जी की इनविटेशन पे. उन्होंने कहा कि भाई इधर आओ, तुम क्या वहां पे लंदन में बैठ के तुम चीजें बना रहे हो. मैं इनको और एक थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं. आप थे 10 साल के तब. हां, सबसे पहले तो मैं 10 साल का था जब उन्होंने आपको स्पॉट किया आरडी बर्मन जी के कॉन्सर्ट में. This is Ashata's greatness. Yes. That she saw this talent in at such a young age, and of course you were killing it also at that time. Right. तो अब आशा जी ने मुझे कहा कि भाई तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, इधर आओ, let's do some work together and all that. तो मैं जब आया यहाँ पे तो मेरा सबसे पहले, अच्छा पहले मैं होटल में था. ठीक है. एंड तो उन्होंने फिर एक दो दिनों की बात करा, तुम क्या होटल में ठहरे हुए हो, यू नो. एंड आशा जी जो है वो इतने दिल से और इतने मतलब शी इज लाइक अ मदर, यू नो. तो यू नो टिपिकल मदर स्टाइल, यू नो, शी सॉर्ट ऑफ सेड टू मी क्या बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास कि तुम होटल में रह रहे हो. मैंने कहा नहीं आशा जी, क्या मैंने नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं होटल में रहने की. एंड शी सेड कि तुम मेरे पास जगह है घर पे, आई हैव अ फ्लैट ओवर हियर, तुम खाली है वहाँ पे तुम रहो. So it was very sweet of her, and जिस प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने मुझे कहा तो it was very nice. Very kind of her. तो मैं shift हो गया. अच्छा मुझे नहीं पता था कि जब मैं enter हुआ that was like a musical temple. Yes. Because it was R.D. Burman's house. Oh wow. My first address in Mumbai was Panchamdas house. क्या बात कर रहे हो. 101
Maryland Apartments. Oh, so cool. And it was in North Avenue, Santa Cruz. Santa Cruz, हाँ. Thank you. आपको भी बोल रहे हैं. Hey, how are you? Hi. कैसे हो भाई? कैसे हो? भाई एक नंबर. Thank you. शिल्पा शेट्टी के साथ एक नंबर था वड़ा पाव. अरे वाह यार, thank you so much. अरे क्या बात है थैंक यू मेरा भाई. अभी अदनान भाई वाला वीडियो भी देखना ठीक है. अरशद वारसी उनका भी तुम घर पे गए थे ना उनके, वो भी एक नंबर वीडियो था भाई. अरे थैंक यू यार, सब्सक्राइबर है तुम्हारे भाई. अरे थैंक यू, थैंक यू सो मच. यस अमेजिंग, थैंक यू सो मच मेरा भाई. चलो सी यू. शुक्रिया भाई, शुक्रिया. थैंक यू. ओके सर, सलाम. लोगों को ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि आप 5 साल के थे भाई जब आपने म्यूजिकल जर्नी चालू कर ली थी. बिल्कुल आंधी का डायलॉग लगा था मुझे. हाँ. क्या आपने सारे काम 5 साल की उम्र में ही कर लिए थे? हाँ, सारे काम 5 साल की उम्र में. सबाई शादी के याद है वो, ये कौन सी फिल्म थी? आंधी. आंधी, आंधी, आंधी संजीव कुमार की. तो यस आई स्टार्टेड एक्चुअली इट वॉज नॉट प्लान्ड. मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के. फोटो अच्छा नहीं आया लगता है, वो बोल रहे हैं ले ले. अरे क्या बात कर रहे यार, दिल खुश हो गया आपका. आपका एक गाना ये जमी ये रुक जाए. हाँ. ये मैं अपनी बेटी के लिए खास सुनता. अरे क्या बात है, थैंक यू मेरा भाई. ये हो गई लो आपकी वाली वही वाली बात. देखो ना, इसी के लिए हम जीते हैं. सो वी वर एट हाउ यू स्टार्टेड. हां, सो 5 साल के थे. सो व्हाट हैपेंड वाज कि I don't belong to a musical family. Yeah, which is why I'm wondering. Yeah, तो अब क्या हुआ कि my father was a was a diplomat. Okay. And he was in fact he was ambassador to 14 countries. Oh yeah. तो पूरी मतलब कि बचपन और ज़िंदगी ज़्यादातर एक मुल्क से दूसरे मुल्क we went literally traveling country hopping. But anyhow, the point was कि जिस घर हम जब लिस्बन गए, माय फादर वाज एम्बेसडर देयर इन पोर्चुगल, तो उस घर में इत्तेफाक से जो यू सी जो भी ओनर था उसने जो जब वो घर किसी ना किसी वक्त में बेचा होगा एम्बेसी को, तो उसने लॉक स्टॉक एंड बैरल बेच दिया था अलोंग विद द फर्नीचर. ठीक है ना. तो इत्तेफाकन उस घर में एक म्यूजिक रूम था. अरे वाह. विद अ पियानो. Oh, nice. So funny thing was कि because I was 5 years old, मेरे वाले साहब ने कहा था मुझे कि इसको हाथ नहीं लगाना है, बच्चों की चीज़ नहीं है. ठीक है ना. तो अब जाहिर है I'm a Leo. And then being a Leo and you know कीड़ा है. हाँ, तो वो कीड़ा होता है कि भाई खासतौर पर जब कहा है कि नहीं नहीं करना तो फिर तो करना है. तो अब whenever they were not around, I used to sort of just go and sneak in and just play around with it. Yeah. अमिताभ बच्चन साहब के घर के सामने. जी बिल्कुल. कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं. ये did you chance upon it? How was this transpiring when you were doing this whole album? And जब आपने एल्बम निकाली ना, वो जमाना भी था. जी जी जी. कि सिंगल एल्बम्स एंड लाइक यू नो दिस म्यूजिक वीडियो का जनरेशन. यस यस. क्रेजी म्यूजिक वीडियोस बनते थे तब बहुत ज्यादा. मजा आता था. इट यूज्ड टू बी फन. सो हाउ डिड दिस हैपन, दिस कोलैबोरेशन? यू नो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. यू नो आई मीन आई एम नो डिफरेंट to the rest of the world who was fortunate enough to witness the Bachchan phenomena. Yeah. You know, I mean, there's no other way to describe it. I was very clear in my head that this is one collaboration that is in my bucket list. Haan. Not wish list, but bucket list. Ki, you know, ye kisi na kisi tarike se, matlab ki, I would give a arm and leg to do something with him. मैंने दिल में मैंने सोचा, मैंने कहा यार worst case scenario क्या है? worst case scenario क्या है? ना कह देंगे ना. हाँ. तो ठीक है, मतलब ना कह देंगे, गाली तो नहीं देंगे ना. सही बात. मतलब कि देखो, मतलब कि मैं उनके पास जा क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं उनका फैन हूँ. मैं कोई गलत बात तो नहीं करने जा रहा ना. जी, जी. तो मतलब कि नाराज तो नहीं होंगे कि यार तुम्हारी जुरत कैसी हुई मेरे पास आ जाएगी? तुमने सोचा क्यों कि मैं तेरे साथ गाऊंगा? मतलब कि आई मीन आई सेड कि ऐसे तो नहीं है. ही सीम्स लाइक बिकॉज़ व्हेनेवर आई मेट हिम इज फुल ऑफ लव. या एंड सो मैंने ये दिमाग में तय करके मैं उनसे मिलने गया इसी जगह पे. जब मैं मिला तो मैंने उनको सबसे पहले तेरा चेहरा सुनाया. हाँ. मैंने कहा यार लेट मी जस्ट ईज इनटू इट, लेट मी नॉट जंप टू द पॉइंट. मैंने कहा जी मैं आपको कुछ गाने सुना चाहता हूँ, मैं आजकल कुछ एक नई एल्बम पे काम कर रहा हूँ. हाँ. मैं कुछ गाने सुना. मैंने कहा सुना.
तो मैंने तेरा चेहरा सुनाया, वाह क्या बात, ब्यूटीफुल सॉन्ग, या अमेजिंग। जैसे मतलब कि थोड़ा सा मैंने एक गाना खत्म हुआ, फिर दूसरा गाना सुनाया, उस पर भी उन्होंने बड़ी तारीफें की, तो मेरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना वो थोड़ा सा बढ़ रहा है और हिम्मत जो थी वो आ गई जी। तो फिर तीसरा गाना मैंने ये कभी नहीं मैंने लगाया, हाँ। और मैंने कहा कि ये जरा सुनिएगा, तो अच्छा मैंने वो पूरा गाना जो था सोलो गाया हुआ था, ताकि ही गेट्स एन आइडिया व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट, उनका पार्ट भी मैंने गाया हुआ था, ताकि यू नो ही अंडरस्टैंड्स। तो मैंने जब वो सुनाया तो उनके मुंह पे मुस्कुराहट आ गई, एंड ही वाज लाफिंग, ही वाज एंजॉयिंग द सॉन्ग, लिरिक्स आल्सो फन। तो जब वो पुरानी कहावत है, हंस गई तो फंस गई, सही बोले आप, हंस गए तो आपको लगा सही टाइम। जब वो हंसने लगे ना और एंजॉय करने लगे, तो मैंने कहा यार यू नो आधा काम यहाँ पे हो गया, because at least he's responding in a positive way, right? correct. So I was gauging throughout the you know the facial expressions and all that. So जब उन्होंने जब गाना खत्म हुआ मैंने वहीं पे रोक दिया, मैंने कहा कि कैसे लगा, अरे क्या बात, very nice song, well, great fun, you know, it's got that same you know positiveness and happiness like lift करा दे and all yeah, that. And yeah, that. I said yeah, it's in that same positive and fun space and all that. And he said yeah. I said wouldn't it be great if you also sang it? अरे क्या बात करे? I said yeah. मैं इस तरह से मैं कैसे गाऊंगा? मैंने कहा आप गाते? हाँ हाँ मैं I'm a bathroom singer. मैंने कहा for God's sake not just a bathroom singer. Yeah. You have sung songs. I mean आपने सिलसिला में गाने गाए हैं. आपने then I remember I said अरे आपने जुमा जुमा भी नहीं वो तो सुरेश ने गाया. मैंने कहा नहीं लेकिन बात ये कि आप गाते हैं मुझे पता है कि आप गाते हैं आप गा सकते हैं नहीं नहीं I can't sing and then he said to me he said you've sung it in the upper octave ये octave मेरे लिए बहुत ऊपर है मैंने कहा मैंने आपके पूरी आवाज को स्टडी किया है मुझे पता है कि आपका आपकी आवाज उसको टच करेगी तो then he suddenly started singing the same song in a lower octave which is something that he does quite often okay he went into मोला कभी मुझे छोड़ ना कभी नहीं he went into that zone मुझे समझाइए ना मुझे मतलब इतना म्यूजिक करना मोला कभी मुझे like for example मोला मुझे कभी छोड़ ना कभी नहीं ठीक है this is the upper octave मोला कभी मुझे छोड़ ना कभी it's the same scale but it's an octave down so he wanted to sing it one octave down I said no don't sing it one octave down it'll just the energy will be lost he said but that's where you know I sound like Bachchan I said no you sound like Bachchan no matter what you do yeah I mean, your voice is, you know, it's it cannot be mistaken. Correct. But you will sound, you know, the throw in your voice will sound better in that. So he said, you know, I don't think so. Then I kept, we kept doing a back and forth like Anji. This. So finally, फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करो, ये गाना मेरे पास छोड़ दो. Okay. मैं इसको जरा सुनूंगा और इस पे जरा थोड़ा सा ध्यान दूंगा. And then I'll get back to you. तो मैंने कहा ओके या तो ये जेन्युइनली मुझे कह रहे या फिर मतलब जान छुड़ा रहे यू नो आई मीन आई वाज ईदर वे यू नो ही वाज पोलाइटली जस्ट सॉर्ट ऑफ सो आई केम आउट ऑफ दैट मीटिंग विद अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क सो एनीहाउ आफ्टर अबाउट 3-4 डेज आई गेट अ कॉल फ्रॉम हिम एंड ही सेड अदनान ओके आई विल डू इट But I think I should sing it in the lower octave. I said, sir, I don't think so. Yeah. I think it'll sound really good. नहीं यार बता मैंने कोशिश की है. I'm telling you. ऐसे आप जरा कोशिश तो कीजिए. आप जरा इस माइंडसेट को भूल जाइए for a moment and just give it a shot. खैर anyhow, we then finally met in the studio. Yeah. And he came absolutely. वो होता ना he came absolutely determined. That he was going to bulldoze the lower octave on me. Yeah. So immediately when the track started, when we were just rehearsing, he immediately started singing it on the lower octave. मैंने कहा, you know what, Amit ji, of course it's sounding great, it's you. Yeah. But you know, I think that आप एक दफा तेरा ऊपर वाले octave में गाइए तेरा, तो ट्रैक लगाया ही स्टार्टेड सिंगिंग इट इन द अपर ऑक्टेव मैंने कहा एंड एवरीबॉडी आई से ये है ना ये चाहिए एंड ही हां हां याद हो इस वक्त तो बड़ा जोश चढ़ रहा था क्योंकि इतने बड़े-बड़े स्पीकर हैं इतने बड़े-बड़े स्पीकर हैं तो इन बड़े-बड़े स्पीकर्स में मुझे भी जोश आ जाएगा जब एक दफा मैं उस छोटे से कमरे में चला जाऊंगा और हेडफोन इतने छोटे से होंगे तो सारा जोश खत्म हो जाएगा मैंने कहा अच्छा ये प्रॉब्लम है मैंने कहा फिर आप एक काम कीजिए हम आपको अंदर उस कमरे में नहीं भेजते यू सिट इन द कंट्रोल रूम
we'll put a little sheet around you, literally kapde ki sheet. Are wah. And we'll shield you so that we can have, we'll try to the bounce as well as the leakage of the music shouldn't get into the mic, and you sing it without the headphones. Oh. And he said, aise ho jayega. Dekha, try karte hain, you know, I mean, let's give it a shot. So we did that. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. मैं एक गाना कर रहा था आशा जी के साथ. इट वॉज अ हैप्पी काइंड ऑफ अ सॉन्ग. इट वॉज रोमांटिक बट हैप्पी सॉन्ग. कौन सा पता. इट वॉज अ सॉन्ग कॉल्ड जरा ढोलकी बजाओ. इट वॉज एन ओल्ड सॉन्ग, यू नो. तो मैं गा रहा था तो उन्होंने मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बोली. इट वॉज अ वेरी सॉर्ट ऑफ अप टेम्पो काइंड ऑफ अ सॉन्ग. तो मैं गा रहा था तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा टिप दिया, क्योंकि शी वाज सिटिंग व्हाइल उन्होंने अपना पार्ट गा लिया था. और अब मैं अपना पार्ट गा रहा था तो शी हैपन्ड टू बी सिटिंग देयर. तो उन्होंने कहा कि समी एक काम करो, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ. तो मैंने उनकी तरफ, मैंने कहा उससे क्या होगा. मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार माइक्रोफोन है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 95 की बात है. तो मैंने कहा उससे क्या होगा, मैंने कहा माइक्रोफोन है, कैमरा तो है नहीं, कौन देखेगा मेरी मुस्कुराहट को. से नहीं, जब तुम्हारी मुस्कुराहट माइक्रोफोन के सामने आएगी तो वो माइक्रोफोन जो है वो उस मुस्कुराहट को फील कर लेगा तुम्हारी आवाज के जरिए. क्या बात. तो मैंने कहा, मैंने उसके बारे में सोचा ना, सडनली रियलाइज कि अगर मैं बोलूं जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, ठीक है. अब ये मैंने सीधे मुंह पे कहा था. अब मैं करूं जरा ढोलकी बजाओ गोरिया, यू कैन हियर द स्माइल, यू कैन फील दैट द माउथ इज ओपनड अप, करेक्ट, एंड दैट देयर इज अ स्माइल, एंड सो देयरफॉर यू कैन फील दैट द गाय इज एक्चुअली हैप्पी. यू नो व्हाट आई मीन व्हाट ए टिप. हैड शी नॉट टोल्ड मी, नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट समबडी आइडियली टीचेस यू इन अ म्यूजिक क्लास, बिकॉज़ यू नो इन अ म्यूजिक क्लास यू आर लर्निंग अबाउट Sarigama, and you're learning about rhythm, and you're learning about sur and all that. But very rarely do they tell you about how to face the microphone. That in itself is an education. And जो कहते हैं ना कि कई कायदे हैं, हाँ जी, जो microphone के सामने भी कभी हैं. हाँ. You know what I mean? कि कुछ चीजें जो हैं, मतलब कि कौन सी चीज जो है वो नजदीक होके कहनी है, कौन सी चीज, मतलब अगर अगर चीखे मार रहे हो तो थोड़ा सा पीछे जाओ ना. तो अगर आपने एक बड़ा अगर आपने ये एक्सप्रेशन देना है कि किसी के कान में जाके, जैसे आप बोलते हैं ना ऐसी बरसातों में, ठीक है ना. अब आप अगर किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हो तो आप बोलोगे आओ ना, ऐसे. तो आप क्या है कि माइक्रोफोन में कैसे कहोगे ताकि वही इंटिमेसी आए, वही फीलिंग आए. तो आप माइक्रोफोन के पास जाके आप बोलोगे You see, that enticing, is enticing. You get it? Yeah. So you have to be close to the microphone. True. To get that kharash. It's like you're almost close to your woman or a partner, and exactly. You're just doing it like this. You have to literally you have to act. You have to think ki ye loves jo hai, ye main us agar wo mere samne hoti, to main kaise kehta? Kya baat? Main aise thodi kehta. Aisi barsaaton mein. भाग जाएगी. तो अब क्या होगा कि उसको अगर आप एक्चुअल लाइफ में अगर आप बोलेंगे ऐसी बरसातों में अब ये नजदीक हो गया, हो गया ना. अब वही चीज जो है आपने माइक्रोफोन में कैसे बयान करनी है, ये नजदीक आ गया उसको बिल्कुल बारीकी से बोलो भाई. ए उड़ी 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 ये पूरा गाना मेरे को ऐसा लगता है जैसे आप उतने ही मजे लेके गा रहे थे. मुझे इसके बारे में बड़ी मजे की कहानी है एक्चुअली. शाद एंड गुलजार साहब जी, अब गुलजार साहब ने तो लिरिक्स लिखे थे. ओके. और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बड़े ये गाना आपको बड़ा मजा आएगा. मैंने कहा जी गुलजार साहब आपके हर गाने पे मजा आता है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी नई बात होगी. तो नहीं नहीं आपको बड़ा मजा आएगा. मैंने कहा जी ठीक है ओके. अब मैं रहमान वाज रिकॉर्डिंग इट इन चेन्नई. Yeah. So I arrived in Chennai and for some I arrived at night क्योंकि अच्छा इत्तेफाक की बात है कि मैं भी रात को काम करता हूँ और रहमान साहब भी ना और रहमान also works at night. Yeah. So it's just one of those things we've in fact talked about it with each other also कि
रात को काम, हाँ, कि वो क्या होता है कि उस वक्त शांति होती है, हाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। अगर अचानक आपको कोई काम याद आता है तो यार अभी तो कुछ नहीं हो सकता, हाँ, सही कल ही करना पड़ेगा, यही करेंगे, हाँ, बंदा क्या होता है कि दिन के वक्त बहुत सारी दुनियादारी भी होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है, बंदा आके फालतू चीज कोई कह देता है, मूड खराब हो जाता है। सही बोले, तो यहाँ पे एक जमाने में दिल्ली दरबार हुआ करता था, दिल्ली दरबार उधर था भाई, अरे वो कोने पे था, क्या बात है, मतलब कि आई विश कि वो बंद ना हुआ होता, नहीं अभी है उधर अल्टरनेट दुकान, नहीं वो अल्टरनेट है लेकिन वो बस उसका एक वो मजा नहीं है, हाँ वो नहीं वो उसका भी अच्छा है लेकिन मुझे ये वाली याद है, आई रिमेंबर कमिंग हियर कपल ऑफ टाइम्स, वो पेड़ के नीचे ना, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो अब क्या हुआ कि हाँ तो मैं तो रात को पहुंचा, मैं रात को पहुंचा, अच्छा जैसे मैं आई अराइव्ड एट अराउंड 7ish or so एंड फॉर सम रीजन the weather in Chennai was suddenly quite cold. Oh. और अचानक मेरे गले को अचानक लग गया. अच्छा अच्छा. And I suddenly had a bit of a, क्योंकि I have a bit of a sinus issue. Okay. Generally speaking. So I'm a little मैं कुछ ज़्यादा नाजुक मिजाज का हूँ उन चीज़ों में. तो the thing is कि अचानक मेरे गले को पकड़ लिया उसने एंड आई सडनली फेल्ट वेरी अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कंजेशन. तो मैंने आई अराइव्ड एट द होटल, मैंने कहा रहमान, मैंने कहा यार मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है, लेट मी जस्ट रेस्ट एंड लेट्स डू इट टुमारो, लेट मी जस्ट यू नो. तो ही सेड यार यू नो व्हाट, व्हाई डोंट यू जस्ट कम ओवर एंड वी विल जस्ट जैम एंड अगर 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 नहीं होगा, यहाँ पे था, हाँ जहाँ पे ये कॉफी की दुकान है, यहाँ पे दिल्ली दरबार होता है, खाने की चीजें मैं नहीं बोलता, हाँ नहीं उधर जो जिधर आप बोल रहे हो ना वहाँ बहुत अच्छे परांठे मिलते थे, हाँ वहाँ पे, हाँ हाँ करेक्ट, यस यस यस, तो मेरे को लगा वही सेम जगह की बात कर रहा हूँ, जालिम चीजें. तो अच्छा तो नाउ तो खैर नहीं आओ, यू वेंट इन, आई वेंट ओवर एंड देन वी वर जस्ट वैसे ही बैठे हुए थे, गपशप मारे थे एंड खाना खाया एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड मैंने कहा यार मुझे गाना तो सुनाओ. तो फिर ही प्लेड द सॉन्ग, या आई लव द सॉन्ग, मैंने कहा यार ये तो कल ही होगा, यू नो ये इतना जबरदस्त गाना है, इसको तो मैंने आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, यू नो आई एम गोइंग टू डू दिस टुमारो. इसे एक काम करो अभी क्योंकि हो गाना लगा हुआ है फलाना, जस्ट मतलब कि इफ नथिंग एल्स जस्ट आपस की बात है, अगर अगर नहीं जमा तो नहीं, विल डू इट टुमारो, दैट्स नॉट एन इशू, नॉट अ बिग डील, मैंने कहा ठीक है ओके फाइन. आई वेंट बिहाइंड, अच्छा मेरा गला जो था वो काफी खराश थी उसमें एंड ऑल दैट एंड सो आई वाज वीजिंग अ लॉट. ओके ओके. तो अब क्या हुआ कि मैंने जब गाना शुरू किया तो दोनों शाद वाज देयर, अब ये दिस वाज अबाउट लाइक 12:30, 1 o'clock in the night. Shahad was there, and suddenly I see from the booth, कि ये दोनों छलांगे मार रहे हैं. देखा क्या हुआ? This is sounding brilliant. देखा क्या बात कर रहे हैं? अच्छा अब क्या हुआ कि because of the kharash and so on so forth, I was doing this, hey, udi udi udi, hey, udi. अच्छा अब वो जो एक टेक्सचर आ रहा था वो किसी वजह से उनको बहुत ही बेहतरीन लगा और उन्होंने कहा कि भाई इसको गाते रहो. अच्छा मैं गाया. अब क्या हुआ वो गाना रिलीज हो गया, सुपर हिट हो गया. अब मुसीबत उसके बाद ये खड़ी होगी कि अब जब मैं कॉन्सर्ट्स में जाता हूँ तो आई नीड टू क्रिएट दैट टेक्सचर. अब क्या है, पहले तो नेचुरली निकल आया, आई हैड नो एफर्ट इन दैट, यू नो आई मीन आई, बट नाउ आई हैव टू क्रिएट दैट एफर्ट एंड दैट समटाइम्स इज डिफिकल्ट. सो दिस इज हाउ इट हैपेंड एंड यू नो कभी कभी इंसान को खुद पता नहीं होता कि कौन सी चीज किस तरह से अचानक लोगों को पसंद आ जाएगी. आई मीन मेरे साथ ऐसा कई दफा हुआ है कि कोई गाना जिसको मैं सोच रहा था कि ये गाना जो है ना दिस इज द वन दैट्स गोना टेक ऑफ, पता चला वो बिल्कुल गिर गया. कोई ऐसे ज़हन में याद आ रहा है आपको अभी जो हुआ ऐसा और नहीं चला और जो बिल्कुल ही नहीं सोचा था चलेगा वो पट गया? हाँ मेरा बल्कि मैं उल्टा ये बोलूँगा कि मैं मेरा एक गाना है तेरी याद आती है जी, एंड मुझे अभी तक याद है कि वो गाना जो था
मैंने सात गाने, आठ गाने मैंने एल्बम के लिए मैंने रेडी कर लिए थे. ठीक है. और उनमें से जो आठवां गाना था वो फॉर व्हाटएवर रीजंस एवरीबॉडी थॉट दैट इट वाज नॉट दैट हैपनिंग. नो. तो उन्होंने कहा कि यार कुछ और सोच लो. तो मैंने कहा ये इसको देख लो, लिटरली लाइक दैट. कि भाई मतलब कि अब क्योंकि आई वाज लाइक आई वाज अपसेट बिकॉज़ आई वांटेड दैट सॉन्ग, आई वांटेड दैट फर्स्ट सॉन्ग जो सबने कहा कि नहीं यू कैन डू बेटर टाइप्स. ओके ओके. तो मैंने ये गाना दे दिया. हाँ. और मैंने बिल्कुल उस ज्यादा उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया. जब वो क्या कहते हैं लोगों ने उसको एक होता है इंटरनल इंटरनल लिसनिंग सेशंस एंड ऑल दैट, मैंने कहा जी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे. मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं. मैंने कहा कि इस पे ऊपर वीडियो बनाते हैं. अच्छा ठीक है, ओके फाइन, आर यू श्योर, यू नो, चल बना फिर वीडियो. ले भाई जा, ले भाई जा, तू खुश हो जा, यू नो दैट काइंड ऑफ. कौन सा गाना है ये? तेरी याद जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है. That song just took off and kya baat kar rahe aap, it was like a recycle bin, it was like a recycle bin. Oh my god, matlab not even a recycle bin, maine bin mein phenk diya tha, maine usko recall kiya tha. Oh wow dude. it was that literally. The other song that for some reason nobody believed in, you won't believe this, the song that nobody believed in was Lift Kar Aate. Are you kidding I me? I swear, I kid you not. क्यों ऐसा? Because of the time that it was coming out. No. You see, I'll tell you what it was. मेरा पहला गाना जो रिलीज हुआ, कभी तो नजर मिला. जी. Super. हाँ, love song. ठीक है, love song. हाँ. और उसके बाद followed by भीगी भीगी रातों में. जी. Became even a bigger song. ठीक है. अच्छा, अब बात आई तीसरे गाने की. तो record label ने ये कहा कि भाई आपके अभी जो इमेज बना हुआ है और जो गाने जो धड़ाधड़ चल रहे हैं, वो रोमांटिक है. तो लेट्स गो फॉर अ थर्ड सॉन्ग व्हिच इज रोमांटिक. फेयर एनफ. मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आई वांट द थर्ड सॉन्ग टू बी अ कंप्लीट बैंगर एंड आई वांट इट टू बी अ रियल सॉर्ट ऑफ मस्ती का सॉन्ग. जी जी. मैंने कहा क्या दिमाग खराब हो गया. आई मीन वो पुरानी एक कहावत है ना कि इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट. या आई मीन इफ इट्स जब सब चीज चल रही है उसको क्यों पंगा लेने का, यू नो. आप लड़े क्या फिर लेबल से? हाँ, मैं अच्छा मैं लड़ा. आई पुट माय फुट डाउन एंड आई सेड कि नहीं यार, दिस इज द टाइम व्हेन आई कैन शो द वर्ल्ड एंड शो केस कि मैं ये भी कर सकता हूँ. उन्होंने दिल में सोचा कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, अभी सीधा सीधा चीज बिक रही है, बिकने दो. यू नो द टिपिकल माइंडसेट. फाइनली मैंने एक दिन उनको कहा, मैंने कहा यार मेरी बात, लेट्स डू दिस, प्लीज मेरी बात सुन लो. तो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने दिल में सोचा यार ये मानेगा नहीं, बात नहीं मानेगा नहीं, और इसके गाने अभी हिट हो रहे हैं, अब क्या करें, इसको नाराज भी नहीं करना. और इसके सर पे चढ़ गई ये बात, ये समझता है ये सब कुछ जानता है, ये होता करो. अब इसको लेट्स जस्ट सैटिस्फाई हिज ईगो एंड तो नाउ दे एग्रीड. ओह नाइस. बट विद अ वेरी वेरी हैवी हार्ट एंड decided to do the whole thing in a very half-hearted manner. The whole video was actually shot in rogue mode. No, there's another word for it. Gorilla shoot. Sorry, not rogue mode. Excuse me. It was shot in gorilla mode. Oh, wow. मतलब कि आप अगर उस वीडियो को दोबारा देखोगे ना, तो we shot it in different parts of Mumbai, yeah. Right? अच्छा, what happened was, apart from the opening, which was in a cafe, yeah, that we took permission from the whoever the owner was, I mean the company did. बाकी सारे जो street shots थे वो gorilla shoot, सब gorilla shoot हुए थे. क्या कहते किसी, it was on a Sunday early morning before anybody had got up. You can tell. Yeah, and we shot the, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि गाड़ी से निकले ये किया और वापस गाड़ी में बैठ के मतलब कि पतली गली से निकल गए. It was literally like that. Literally. ये step भी तो कितना popular हो गया भाई. अच्छा, ये इसके बारे में एक और कहानी है. हाँ. लेकिन अब क्या हुआ कि जब हमने शूट कर लिया, we brought it back, edit होके जब वो आया वो वापस, and I requested Govinda जी to just make an appearance. Yeah. Which was very sweet of him. He was on top of his game at that correct, time. Correct. You know? I mean, it was very very sweet of him to have done that. And he came. And he did that one last shot, you know, in the end and all that. And that was beautiful. And that was the icing on the cake.
nobody realized that that song would go completely through the roof and berserk. It became an anthem. And this particular move was something that I came up with because when I was in the studio recording this song, it just so happened that the engineer, the sound engineer, the recordist, he had a habit of music कम वॉल्यूम में सुनने की. सो दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू वांट. अच्छा अब क्या था कि ये गाना जो है जोश वाला गाना है, यू नो, एंड आई वांटेड द सॉन्ग टू, आई वांटेड टू हियर इट लाउडली ताकि जोश हो. अब वो बेचारा जो था वो लो वॉल्यूम में सुनता, तो मैं दूर से अगर मैं बैठा होता तो मैं उसको आवाज देता था, मैंने कहा ये. And then when he used to, when I said, yeah, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. And so that's how this particular, and just, jab bhi wo gana phir jab shuru hota tha, I said, lift kara de, you know, and that's how that step came. Oh, so he then just went and did it. Just, you know, and I just, I remember Bosco Caesar were doing the choreography. The choreography. And I said, listen, you know what? This is a move that just comes naturally whenever I hear this song. Yeah. Then he said, you know what? It's great. Let's bring it into the song. So we did it. So that's how that particular move came in. ये एक और बात. आप 15 या 16 साल के थे जब आपने पूरा गाना बना दिया था यूनिसेफ के लिए. हाँ. Is that the first kind of beginning, full fledged career sort of music move that you had? Yeah. Well, actually the thing was कि उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे मैं एक होता था कि मैं अपने करियर का पहला कदम उठा रहा हूँ. No. Run for your life. हाँ, run for your life. तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि उस वक्त, if you remember, there was a big movement that started in the 80s. Yeah. There was the unfortunate famine that happened in Ethiopia. Yeah. तो उस वक्त, you know, music industry worldwide ने बहुत कदम उठाए थे to help. अच्छा, उसके लिए they wanted an anthem in the Middle East. तो जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने एक गाना बनाया, कंपोज किया, as well as I wrote the lyrics. And I made a demo. Okay. And I sent it to the chief of UNICEF. He heard the song and for some reason he liked it. Uh-huh. You know, after that, he then said ki, why don't you record this properly and give it to us. And so then I recorded it properly. Phir maine unko diya. Unhone us gaane ko apna wo theme, anthem bana diya. And the most interesting thing was that they had the Middle Eastern charts, which was again consisting of world music. You know, jo pop charts thi. I remember that the song entered in the first week at the number 18. Oh yeah. Theek hai? And second week it jumped to number 1. Oh, so cool. And I remember, I could not forget this, that Janet Jackson was number 3. And I was like, whoa. It was the first time in my life that I had a number 1. Even at that point in time, it was a one-off. I didn't look, because I didn't do it for money. I didn't do it for, it was a charity event. Lekin I, you know, the idea of money never came into, you know, why I'm saying money is because when you look at it as a profession, then money's come involved. Yeah, of course. So the point is ki, I never looked at it as a, कभी अब मेरा करियर शुरू हो गया टाइप से. नो, क्योंकि देखिए, आई वाज स्टिल स्टडिंग एंड यू नो दैट वाज माय प्रायोरिटी. ये तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गई ना. करेक्ट. तो वो जो कहते हैं ना कि दिस वाज अ साइड ऑर्डर फ्रेंच फ्राइज. या ऑफ कोर्स, यू नो, यू ऑलवेज ऑर्डर एन एक्स्ट्रा ऑफ एक्स्ट्रा ना, कि मैंने जस्ट इन केस इनसिक्योरिटी की वजह से. आई रिमेंबर, यू सी, इफ यू रिमेंबर, वंस अपॉन अ टाइम इफ यू मेड द कवर ऑफ बॉम्बे टाइम्स, करेक्ट, especially in the early 2000s. Anji, haan. If you made the cover of the Bombay Times, it meant that you have arrived. Absolutely. I mean, it was such a big thing. Yeah. That the paper wasn't an entertainment featurette by then. No, it was not. It was a real serious piece of journalism. Jahan par, I remember that the first time I made the cover, at that time the editor was the late Pradeep Guha. Yeah. And he sent me a framed copy of the front page. Oh, so with cool. My photo and my article in it. That's how important it was. Yeah. And that's how seriously it was taken. Yeah. You made the Bombay Times cover, you know, that literally meant that you've arrived. So that cool. I remember that people turned around and said to me, ki,
यू नो व्हाट यू हैव अराइव्ड तो बताओ वेर आर वी सीइंग यू व्हाट ऑल इज हैपनिंग ओके सो यू सी एक तो देयर इज अ लॉट ऑफ lot more music that I have stored up. Oh, nice. Yeah, which I now, पता नहीं कभी कभी इंसान कहते हैं मैं इसको दबा के क्यों रखा हुआ था मैंने. हाँ क्या? You know, and now I'm going through all of that and I'm like, अब नहीं तो कब? You know. सही बात है. So I'm like in that zone कि now let's just get it out. Yeah. We need to get very very active in how we start releasing things. I mean, just start releasing them. And, oh, nice. And so that's, I'm getting into that zone. जहाँ पे मैं गाने जो है वो मैं अब ज़्यादा रफ्तार में release करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ और उन पर मैं अब काम भी कर रहा हूँ. Then there's some other things that I'm working on. Nice. मैं अपनी ज़िंदगी में music के अलावा बहुत सारी चीज़ों से गुजरा हूँ. चाहे वो क्या कहते हैं वो जो वजन का जो मेरा जो एक पूरा उस पे भी मैं आने वाला था. हाँ, तो यू सी अब क्या है कि बहुत सारे अब मैं कभी कभी मैं होता ना कि एक इंटरव्यू में या किसी फंक्शन में जी. आप 10 मिनट के लिए बात कर लेते हो या 5 मिनट के लिए बात कर लेते हो एक सब्जेक्ट पे और फिर आपको आगे निकलना पड़ता है किसी और सब्जेक्ट पे. तो क्या है कि लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि देखिए हेल्थ इज अ सब्जेक्ट विच इज वेरी वेरी important to everybody. Correct. And in health, apart from other things, one of the things that everybody is always very conscious about is weight. And so a lot of people have this tremendous question mark ki how did you lose weight? Yeah. What happened? What is the actual story? बहुत सारी कहानियाँ इस दुनिया में लोग अपने आप ही वो कर देते हैं. हाँ, मतलब कि लोग कुछ लोगों ने ये भी सोचा है कि जी इन्होंने कोई सर्जरी कराई, इन्होंने कोई लाइपोसक्शन कर, none of that. आपने 130 किलो लूज किया. करेक्ट. एंड none of it was done by any kind of surgical interference. Yeah. So therefore, the point is कि then how did I do it? What happened to you? What was that day like? Did you just wake up one day and be like, I want to lose this? Not exactly, but I mean the point was that you know I was 230 kilos. So ab usme kya hua ki doctor ne I had gone to London and doctor ne mujhe ek tarah se he'd given me an ultimatum. Oh. I went for a checkup. Usne kaha ye jis tarike se aap apni zindagi guzar rahe ho, the way you're leading your life, I wouldn't be surprised if your parents found you dead in a hotel room in the really? Next 6 months. Oh, 6 mahine mujhe deti the. So my father was listening to this entire conversation. He was there at the office, I mean at the clinic, yeah, with me. And then that evening my father sort of had a very emotional conversation with me, you know, and he said, beta, I've been through everything that you've had to endure. I've supported you through thick and thin. I've always held your hand and supported you. And I've never, as a father, it's my duty. And I've never asked for anything from you, and neither do I have any intention of ever doing so. But I just have one request. You have to bury me. It won't be the other way around. I cannot bury you, and don't ask me to do that. That's no father should bury his son, his child. Yeah. It was very emotional, and you see, he was suffering from cancer of the pancreas, which is one of the most deadliest cancers. So, so I then, you know, that was a very emotional evening in London, and then I promised him, ki, Baba, I promise, I will lose weight, and you know, Khuda kabhi na kare ki aisi cheez aapko upar wala lambi zindagi de, lekin I promise I'll lose the weight. Yeah. So that was the turning point for me. When was this? This was in 2006. Okay. Then I went off to US. I went to Texas in Houston. Got myself a fantastic nutritionist first. Nice. Yes. उस वक्त तो ट्रेनर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. मैं चल नहीं सकता था. अरे राम, मतलब कि वो इतना बुरा, टू मच प्रेशर ऑन योर नीज देन. या आई मीन आई इतनी बुरी हालत थी कि अब इफ आई हैड टू गेट इनटू अ कार आई कुडंट लिफ्ट माय लेग्स टू गेट इनटू द कार. आई समबडी हैड टू लिफ्ट माय लेग एंड पुट इट इन द कार. ओह वाओ. इट वाज दैट बैड. आई इन द लास्ट स्टेजेस आई नीडेड अ वॉकिंग स्टिक
to walk. I mean, itni buri. I literally became a recluse. I did not want the world to see me like that. Oh damn. Yeah. And you see, airports had become so. I mean, airports are big. Yeah. You know. So I could not. I could not walk in airports. So either there was a buggy, and wheelchair bhi mujhe fit nahi aati thi. So I had to get a custom-made wheelchair that could be wide enough to take me. Oh damn. So I mean, it was a real nightmare, which I shielded the world from. The duniya ke samne, I was like the good old lift karade, enjoying life. And you're doing concerts at this time, and all those things. Absolutely. I mean, this is also pinnacle time, na? Absolutely. And so therefore, it was very, very, I mean, you know, it was a very crucial time. Jab maine finally ye decide kiya ki, I went off to Houston. I took a little bit of a sabbatical because I needed to concentrate 100% on my health. And I got a great nutritionist, and she then completely changed my lifestyle. Yeah. You know? Yeah. And usne sabse pehle to ye kaha mujhe ki dekho, main aapko diet nahi de rahi. I'm giving you a change of lifestyle. And correct. This is something that you're going to have to follow for the rest of your life. Yeah. It's not ki, you know, aapne 2 months aapne mehnat kar li, ya saal mehnat kar li, uske baad phir aapne loot mein jaya. Sahi aisa nahi hoga, you know. So you'll have to be, this is a lifelong thing that you'll have to take care of. And in this life, kabhi kabhi badh bhi jayega, kabhi kam bhi ho jayega. It'll keep going up and down. Range mein rehna padega. Lekin you have to stay within that basic range. Yeah. Theek hai, okay, fine. So the point was ki, ab that is, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने अभी 5 मिनट तकरीबन आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर ली, तो अब क्या है कि लोगों को डिटेल्स चाहिए, तो वो इसके बारे में लोग, कुछ लोग ऐसे समझ दें कि अचानक मैं एक दिन उठा और अचानक गवर्नमेंट ने कहा कि ये लीजिए ये दवाई, नहीं दवाई नहीं, वो उन्होंने कहा कि ये लीजिए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपको मिल गई. यू नो इट्स नॉट लाइक दैट. 18 साल लगे मुझे उसको बनने में. ओह यस, इट वाज 15 अगस्त की पैदाइश थी आप. हाँ, लेकिन मतलब वो होना ही था. वो तो यू सी, वो तो ऊपर वाले ने तय किया हुआ था ना. जी जी जी. लेकिन कहने के लिए इंसान को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. तो अब लोग, जिनको इस कहानी के बारे में पता नहीं है, लोग कभी कभी ये लोग सोचने लगते हैं कि हाँ भाई, यू नो सेलिब्रिटी है तो ओवरनाइट तो मिल ही गया होगा उसको. नो, देयर इज नो सच थिंग as an easy solution. Correct. You have to work towards everything. Yeah. It's just that you found out overnight. सही बात. You woke up one fine morning and discovered through the newspapers or whatever कि यार इसको मिल रही. लेकिन बात ये कि आपको नहीं पता. 18 साल लगते हैं. 18 साल मुझे लगे. लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन 18 सालों में मैंने दुनिया के सामने ढोल नहीं बजाया कि देखो मैं आज जा रहा हूँ मेहनत करने के लिए, कोशिश कर रहा हूँ, मैंने फलानी चीज. अरे आज तो रिजेक्शन भी आ गई, मैंने 2 दफा रिजेक्शन भी आया. तो आपको पहले आपने गिव अप किया अपना पुराना सिटीजनशिप? Yeah, I had to first give that up, and then after that I was stateless. Yeah. For a year and a half or so, I did not belong to any country. Because you didn't have a passport. I didn't have a passport. No, not just a passport. तो सिर्फ एक कागज है ना. जी. मतलब कि किताब है. लेकिन I was not owned by any government. Yeah. I was not owned by any country. So I was what you call stateless. Oh damn. And in that state, I could not travel, I could not do anything. This is interesting because I didn't know this. Yeah. And it doesn't come out in public until you see, you've spoken about it. तो you see, क्या है कि इस तरह के बड़े जबरदस्त किस्म के twists and turns हैं. हाँ. जो तो biopic है भाई. जो हाँ, तो जो मतलब कि it's a full pot boiler. Yeah. It's like, I mean, मेरी कहानी में ऐसी बातें हैं कि अगर बॉलीवुड के जो मसाला राइटर्स है ना, अगर वो आपस में बैठ के अगर एक दो सिनेरियोस अगर मैं बताऊंगा उनको, अगर वो आपस में वो फिक्शन बना रहे हो, अगर कोई इस तरह की सजेशन करेगा कि नहीं यार कौन मानेगा इस तरह की बकवास को, ये बहुत फिल्मी हो गया यार, यानी फॉरगेट इट, नोबडी इज गोना बिलीव दिस, लेट्स थिंक ऑफ अनदर आइडिया. वो चीजें मेरे साथ हुई हैं. करेक्ट. क्रेजी लाइफ. या क्रेजी, एब्सोल्यूट थिंग्स दैट यू विल नॉट एवर बिलीव दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू मी, कुड हैपन टू एनीबॉडी. Happened to me. ऐसा लगता है कि आपको कि अभी आप Instagram music बना सकते हो, खाली 1 minute tracks बना के डालो. This is very interesting that you mentioned this because you know, I mean, we
चंद दिन पहले हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे. क्या बात कर रहे हो? कि यू नो जमाना जो है वो कितना बदल चुका है इन द सेंस कि एंड ये नहीं कि जमाना बदल चुका है कि जैसे कि पता नहीं सदियों से ये हो रहा है. नो आई एम टॉकिंग दिस इज हैपेंड ओवर द पास्ट 10 years व्हिच इज अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम वेयर सच इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशंस हैव टेकन प्लेस. क्योंकि क्या है कि कुछ अरसे पहले लोग आराम से 5-6 मिनट के गाने बना लेते थे. कभी एक एक तो वक्त था जहां पे लोग दो दो मैंने तीन तीन चार चार अंतरे रखते थे गानों के. अब फिर क्या हुआ कि दो दो अंतरे होने शुरू हो गए. अब एक अंतरा होता है और अब फ्रॉम लेट्स से अब देखो तेरा चेहरा इज अबाउट 6.5 मिनट का गाना है. सही बात. अप्रोक्सीमेटली एंड वो पूरा गाना हमने वीडियो शूट किया. यू नो एंड देन यू नो नाउ एन एवरेज सॉन्ग इज अबाउट 3.5 मिनट्स टू 4 मिनट्स. फिल्म में 2-2.5 मिनट लगता है. हाँ एग्जैक्ट. और उसका जो जो वीडियो है वो उससे भी मतलब कि कभी कभी फिल्म में उससे भी छोटा होता है. एंड नाउ people are making those 1 minuters for Instagram or these other reels and all that. Correct. So you know the point is that you know it's like everything has become you know like from 3-day test match to T20. 50 overs and now the T20. Na jaane kal kya hone wala hai lekin mere khayal mein eventually kya hoga log toss pe kya kehte match bas ho gaya bhai bas ho gaya ho gaya toss pe match jeet gaye you know. So, you never know but the point what I'm trying to say is that this has happened worldwide you know I mean pehle gourmet khana hua karta ab fast food har cheez jo hai wo instant hai. So, you know, I mean, people are also looking for instant fame also. Correct. And so, you know, they're making a reel right now. Yeah, there you go. But it's affecting the brain in manners which we don't understand. Yes. Because everybody is happy in Instagram. You know, everybody's happy. That's true. Nobody's got problems in Instagram. So, what happens is, somebody looks at Instagram and says, yaar, इसका मतलब कि मेरी जिंदगी बड़ी जलील है यार. हाँ यार, सही मतलब कि क्योंकि बाकी सब लोग जो है वो दे मेरी जिंदगी बड़ी खराब है यार. तो दैट्स व्हाट पीपल स्टार्ट थिंकिंग एंड दे डेवलप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस एंड दे गेट डिप्रेशन एंड ऑल दैट. यार मतलब कि ऐसे कैसे कर दिया ऐसे कैसे होगा मुझको भी तो लिफ्ट करा दे. सही बात है भाई. देखो हमारी ना मुंबई वाली बातें नहीं हुई है. हाँ. और मेरे करीब 1.5 पेज के और क्वेश्चन बच रहे हैं क्योंकि हम इतनी सारी बकर कर आए. तो अगर ये लोग बोलेंगे 500,000 कमेंट्स में. हाँ. कि आपके साथ पार्ट 2 करना है. हाँ. तो अपन बारिश के टाइम पे चलते हैं थोड़ी रोड ट्रिप करके खाते पीते भी हैं कहीं पे. अरे दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आईडिया. है ना? Yeah, but we'll do one which is a foodie. Yeah, a foodie round of Mumbai. These guys need to comment us and let us know कि कैसा लगा आपको, मजा आया तो बताओ, फिर हम लोग पार्ट 2 करेंगे. हाँ, और देखो याद रखना अच्छे कॉमेंट्स करना मतलब डिलीट कर देंगे. याद रखना ठीक है. थैंक यू सो मच भाई. कैसा लगा आपको? आई लव्ड इट. इट वाज ग्रेट फन. बड़ा मजा है. बड़े एक दो जगह तो मैं बड़े अरसे बाद गया हूं. हां ना. ओह इट वाज ग्रेट. इट वाज वंडरफुल. थैंक यू. दिस इज द बॉम्बे जर्नी. सेड साइनिंग ऑफ.